Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new watching me, I am Sangeeta and this is Sangeeta's Glamour World. So if you are new here, please subscribe my channel and hit the bell icon for my upcoming notifications. So 31st August ko Onam ka tyohar hai. Today's makeup tutorial is based on this tyohar. You can create this look any for any occasion, if night or day, so without wasting your time. So let's get started. तो पहले स्टार्ट करेंगे अपने आईब्रो से. आज मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ये आईब्रो पॉमेट इन द शेड मीडियम ब्राउन. पहले अपने आईब्रोज को नीचे की तरफ ब्रश करना है और हल्के हल्के स्ट्रोक से अपने आईब्रोज को फिल करना है. ये आईब्रो पॉमेट से मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, पर जब मैंने यूज़ किया तो मैंने देखा कि ये आईब्रो पॉमेट बहुत ही अच्छा है. आप ये ज़रूर ले सकते हो. इसका 3 और शेड आता है, आपको नायका पे मिल जाएगा. सो आईब्रोज को क्लीन करने के लिए मैं अपनी नायका का जो स्किन जीनियस कंसीलर पैलेट है उसको यूज़ करूँगा ये शेड, और अपने आईब्रोज को हल्के से एक फ्लैट ब्रश से अपनी आईब्रोज को क्लीन कर लूँगी ऊपर और नीचे की तरफ. फिर निक्स का ये आई शेडो का जो बेस है वो यूज़ करूँगी. ये शेड वाइट है. ये अपनी पूरे आईलिड पे ये अब एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपने पूरे आईलिड पे मैं ये इस्तेमाल कर लूँगी. फिर लूज़ पाउडर से अपनी आई बेस को अपनी सेट कर लूँगी. आज अपनी आई मेकअप के लिए मुझे ब्यूटी क्रिएशन का मिनी प्रो पैलेट यूज़ करना है वॉल्यूम 1, और ये मैंने शेड यूज़ करूँगी डेजर्ट सैंड ब्राउन वाला. एक फ्लैट डिफाइनर ब्रश से उसी उस शेड को अपनी आई लिड के ऊपर एकदम काजल की जैसे आप लाइनर लगाते हो वैसे अपने आई लिड पर लगाना है. ऑरेंज वाला शेड लूँगी एक स्मॉल फ्लफी ब्रश के मदद से अपनी आईलिड के पूरे आईलिड के ऊपर एक ब्राउन शेड से शेड के ठीक जस्ट ऊपर अपनी ये ब्लेंड करना है आपका ये ऑरेंज शेड. फिर क्रीज को डिफाइन ज़रूर करना है. आपको क्रीज का पता कैसे चलेगा, आईने के सामने बैठ के आपको देखना है कि आँख और आईब्रोज के बीच एक लाइन दिखेगा वही आपका क्रीज होगा. इफ़ यू हैव हुडेड आइज तो इसके लिए भी अलग प्रोसेस है, मैं बाद में ये बताऊंगी. और ये फिर मैं सनकिस्ट शेड लूँगी और अपने क्रीज लाइन पे ये अप्लाई करूँगी एक स्मॉल टैपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश के साथ. और ये क्रीज शेड मैं अपनी आईलिड के शेड के साथ पूरा मैच कर दूँगी. ऐसे ब्लेंड करना है ताकि ये नेचुरल लगे. फिर वेट एंड वाइल्ड का एक पिगमेंट यूज़ करूँगी इन द शेड कैरल. एक फ्लैट डिफाइनर ब्रश के हेल्प से अपनी आईलिड पे हल्के हल्के तरीके से ऐसे आपको ये पिगमेंट यूज़ करना है. उसी डार्क ब्राउन शेड लेके एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के मदद से आपके जो आउटर कॉर्नर है उसको डिफाइन कर लेना और क्रीज के साथ वो ब्लेंड कर लेना है अच्छे से. इन कलर का जेल लाइनर यूज़ करूँगी इन द शेड ब्लैक. एक ब्रश के हेल्प से लाइनर ब्रश है ये पूना स्टोर का, तो इस ब्रश के हेल्प से आपके लैश लाइन पर ये हल्के से लाइन ड्रॉ कर लेना है. फिर एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से वो जो आपके लाइनर है उसको ब्लेंड कर लेना है अपने आई शेडो के साथ. फिर आपका जो फॉल आउट है वो बिल्कुल साफ कर लेना है एक कॉटन और माइसलर वाटर के हेल्प से. प्लम ग्रीन टी का ये मॉइस्चराइजर अपने फेस पे मैं अप्लाई करूँगी. यू नो दैट ब्लू हेवन का प्राइमर मेरा सबसे फेवरेट प्राइमर है, वो भी अप्लाई करूँगी मेकअप के पहले.
भारत एंड टूरिस्ट का ये 12 नंबर कंसीलर के हेल्प से मैं अपनी ब्लैक स्पॉट्स को हाइड कर लूँगी और एक ब्लेंडर से अच्छे से ये कंसीलर ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा लूज पाउडर एक ब्रश के हेल्प से ऊपर से डैब डैब के पोजीशन से आपको इसको सेट कर लेना है, ताकि आपके फाउंडेशन के साथ ये जो आपके कलर है मिक्स ना हो जाए। तो फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का ये सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन। ये शेड नंबर है 220। एक बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं अपनी पूरी फाउंडेशन को अपने फेस में ब्लेंड कर लूँगी। ये बैकअप ब्रश है। फिर फेस हाईलाइट के लिए मैं वही स्किन जीनियस कंसीलर पैलेट यूज़ करूँगी, नाइका का ये शेड, और अपनी आँखों के नीचे अब जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है कंसीलर के मदद से, आप वहाँ ये कंसीलर से आप हाईलाइट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी कंसीलर है, क्रीज नहीं करता है अगर आप अच्छे से इसको सेट कर लोगे तो। बहुत अच्छा है, आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। फिर कॉन्टोर के लिए मैं आज हल्का वाला कॉन्टोरिंग यूज़ करूँगी, सो पाउडर कॉन्टोर इज़ द बेस्ट। एंड वेट एंड वाइल्ड का ये कंटोर मैं यूज़ करूँगी, बहुत यूज़ करा है मैंने ये कंटोर, बहुत अच्छा है ये कॉन्टोर पैलेट। एंड आपको जो गाल पे ये जो लाइन दिखता है यही आपका कॉन्टोर लाइन है। आप आउट पोजिशन पर भी आपका कॉन्टोर लाइन डिफाइन कर सकते हो। कॉन्टोर से आपके फेस को एक अलग ही शेप मिल जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा फॉरहेड ज़्यादा बड़ा है तो फॉरहेड को मैं ज़्यादा कॉन्टोर करती हूँ। फिर एक स्मॉल पाउडर ब्रश के साथ मैं अपने कंसीलर को भी सेट कर लूँगी उसी बनाना पाउडर के हेल्प से जो कॉन्ट्रोल पैलेट में अभी दिखाया मैंने वेट एंड वाइल्ड का, और नोज़ को भी उसी कॉन्ट्रोल पैलेट के कलर से मैं अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल कर लूँगी। देन बैक टू माई आई मेकअप अगेन, उसी डेजर्ट सैंड कलर को लूँगी एक ब्रश से, वही डिफाइनर फ्लैट ब्रश से अपनी लोअर लैश के नीचे लगाऊंगी हल्के से। और एक छोटी सी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से उसी ऑरेंज शेड को भी लूँगी, और जहाँ पे ब्राउन आई शेडो मैंने अप्लाई किया उसी के नीचे हल्के से हाथों से आपके ब्लेंड करना है आपके आई शेडोज़ को। एंड ब्लेंड करने के बाद उसी पिगमेंट को मैं आई शेडो के ऊपर थोड़े हल्के पोजीशन में लगा लूँगी। और फिर मैं काजल अप्लाई करूँगी, नायका का काजल है, मुझे बहुत ही पसंद है, आप देख सकते हो छोटी हो गई है एकदम काजल। देन आई विल डस्ट आउट ऑल द एक्सेस पाउडर एंड कर्ल माई आई लैशेज विथ पैक आई लैश कर्लर एंड बेला वोस्ते का ये जो मस्कारा है उसको यूज़ करूँगी, बहुत अच्छा मस्कारा है। और फिर वादी का जो लिप बाम है वो अपने लिप पे अप्लाई करूँगी। फिर मैंने एक फॉल्सीज ऐड करना है अपनी आँखों पे। लैश लाइन को छुपाने के लिए जेल लाइनर यूज़ करूँगी और ब्लेंड कर लूँगी उसी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, मुझे लाइनर हर्श पसंद नहीं है इसलिए। फिर एक ब्लश यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का, ये शेड है फैंटास्टिक प्लास्टिक पिंक। एक ब्रश पे सेटिंग स्प्रे अप्लाई करके अपनी हाइलाइटर को यूज़ करूँगी, मैंने आज सोफेक्स का हाइलाइटर यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का। वेट एंड वाइल्ड का एक रेड लिप लाइनर से अपने लिप्स को डिफाइन कर लूँगी। फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग टूडे मेबेलिन सुपर स्टे इंक लिप मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड ग्लॉब डॉटर, और उसके ऊपर वेट एंड वाइल्ड का एक मेटालिक लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को भी अपनी हाईलाइट कर लूँगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आज मैंने केरला कॉटन पहनी है, उसके साथ थोड़ा हल्की ज्वेलरी पहनी है, और सिंपल लाल बिंदी है और गजरा है। सो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का ये मेकअप लुक। अगर आप ये ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर टैग करना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, स्टे सेफ